जो नया है ऑफ रोड पर जाइएगा, जब ऑफ रोड पर आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट बोनट आ जाता है और ये फोरमेटिक 6.2 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। जब 5 लोगों के साथ इस गाड़ी को मैंने टेस्ट, सीक्वल उसी फिल्म का अच्छा लगता है जिसकी पटकथा अच्छी होती है और शायद उसी का लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है मर्सिडीज की GLC के साथ जिसका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि साल 2016 में आने के बाद ये गाड़ी सिर्फ 13,000 लोगों को मिल पाई थी। तो भैया दोबारा मर्सिडीज अपनी इस गाड़ी को भारतीय बाजार में ले आई है, क्या कुछ इसमें चेंज किया गया है और चलाने में कैसी है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल दोनों विकल्प में आती है, मेरे साथ इसका पेट्रोल वेरियंट है, किन किन रंगों में उपलब्ध है, और जब आप सोचेंगे प्लान करेंगे कि भैया एक प्रीमियम सेगमेंट में आपको एक SUV चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए कितनी कारगर होने वाली है, इसका जिक्र किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्सिडीज चाहे जितना बदलाव कर ले सामने से वो मर्सिडीज ही नजर आती है, तो कभी भी इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है जहां से कह दो कि भैया पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज आ गया है। तो क्रोम आपको दिखने वाला है, भर भर के क्रोम यहां पर नजर आ जाएगा, ग्रिल पे मर्सिडीज का बड़ा सा लोगो, और ऑलरेडी एक खूबसूरत डिजाइन यहां पर ऑफर करती रही है GLC में मर्सिडीज, और यहां पर भी आपको उसी सिमिलरिटी के साथ काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं। आपको यहां सामने कैमरा मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, साथ में अप्रोच एंगल काफी दुरुस्त मिलने वाला है क्योंकि भारतीय कंडीशन के हिसाब से ये बहुत ही मायने रखता है, जिक्र करेंगे जब यहां पर चला रहे होंगे। आपको मर्सिडीज का हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प सेटअप पूरा मिलेगा जो कि काफी खूबसूरत लगता है, अगर आप इसे देखेंगे तो जैसे ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब शुरू होता है। और इसके अलावा ओवरऑल डिजाइन की बात करेंगे तो यहां पर आपको बोनेट से इस तरीके का जो प्रवाह मिल रहा है, बोला जाता है कि भैया अगर गाड़ी एरोडायनेमिक होगी तभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो डिजाइन में उसका ख्याल रखा गया है, और अगर हवा यहां से टकराती है तो सीधे पीछे निकल जाएगी। तो ये बोनेट पर जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये इसकी कहानी कहता है, और ओवरऑल जो डिजाइन है ये काफी अच्छा लग रहा है। तो भैया जो बदलाव हुए हैं साइड प्रोफाइल में, 60mm का इसका व्हील बेस बढ़ा है इस गाड़ी का, तो उसका असर दिखेगा जब इंटीरियर में बैठेंगे कि कितनी तरीके से वहाँ पर कितना रिफ्लेक्ट हुआ, हालांकि नंबर बहुत छोटा होता है, पर यहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा विंडो एरिया मिल जाएगा जो कि क्रोम से कुछ इस तरीके से घिरा नजर आएगा, रूफ रेल आपको सिल्वर कलर का मिल जाता है, और साथ में ORBM पर आपको टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से डिजिटली मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पर भी आपको कैमरा मिल जाता है। फुटरेस्ट देने की कोशिश की गई है, थोड़ा बाहर आता हुआ एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट डाल रहा है। बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं, हालांकि जब आप यहाँ बैठेंगे तो आपको अब क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस मैटर करता है, मर्सिडीज बोलती नहीं है लेकिन बता दूँ 15mm के आसपास का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस में हुआ है। और इसके अलावा अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे, जहाँ पर टायर प्रोफाइल दिया गया है ये 235/55R19 का है, काफ़ी कैपेबल लग रहा है, और ये अलॉय का पैटर्न आपको अलग मिलने वाला है, ड्यूअल टोन है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये अब आ गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर साइड प्रोफाइल में दी गई हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसका रियर सीट मैटर करती है, और GLC की रियर सीट पर अगर अमित द्विवेदी बैठ रहे हैं तो ये उनको एडजस्टमेंट मिल रहा है। थोड़ी सीट को मैं आगे पीछे भी, यहाँ पर एक बटन दिया गया है तो मुझे अगर और ज़्यादा लेग रूम चाहिए ना तो इसको भी आगे कर सकता हूँ, आगे पीछे यहीं से आगे चली जाती है, जैसे आपसे गिराने की कोशिश करेंगे सीट को ना, देखिए यहाँ पर दिया गया है तो ये अपने आप आगे पीछे होती रहती है सीट, तो बहुत अच्छी व्यवस्था इस पर दी गई, अच्छा फीचर लगा मुझे। और यहाँ पर देखिए कितना लेग रूम मिल रहा है, थाई सपोर्ट कितना अच्छा मिल रहा है, तो दो लोग बैठेंगे तो बहुत कंफर्टेबल बैठने वाले हैं, कोशिश करिएगा तीन लोग ना बैठे, तीन लोग बैठेंगे तो 100% कोई कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और क्या मिलता है, AC वेंट मिल जाते हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और कुशनिंग वगैरह जिसके लिए मर्सिडीज जानी जाती है वो मिल जाता है, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, साथ में पैनारोमिक सनरूफ मिलता है जो कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया व्यू दे रहा है, अगर यहाँ से बैठ के देखेंगे और हम भी नज़र आ रहा होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप उसको फील कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट पर कप होल्डर दिए गए हैं जिसे खोलना है, तो ये एक बार फिर देखिए आप इतना करिएगा तो इतना ही खुलेगा, और जब ये करेंगे तो इतना पूरा खुल जाएगा कप होल्डर, और यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी फंसा सकते हैं, तो ये अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल रियर सीट ऑफर करती है GLC में अभी भी मर्सिडीज, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और लाइट वगैरह LED यहाँ पर मिल जाता है, कोट वगैरह टांग सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है, और इस सीट पर बैठकर सॉफ्ट टचेस वगैरह मर्सिडीज है तो आपको मिलना लाजमी है, और बाकायदा आपको ये वाली फीलिंग मिलने वाली है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फ्रंट सीट पर, दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या चेंजेस अब आ गए हैं। अब मैं इस गाड़ी के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, क्या चीज़ें मिलती हैं, तो स्टीयरिंग को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि इलेक्ट्रिकली
परफॉर्म करती है गाड़ी। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, ये वाला स्टीयरिंग मिल जाता है। इस साइड से आप पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें अपने हिसाब से, नेविगेशन असिस्टेंस सब कुछ यहीं से पूरा का पूरा, जो यहाँ पर आप ऑपरेट करेंगे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। इस तरफ आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पर 11.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिस पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो नया है। ऑफ रोड पर जाइएगा, जब ऑफ रोड पर आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट बोनट आ जाता है। जब आपकी गाड़ी 8 की स्पीड तक होगी तो यहाँ पर नीचे का ट्रांसपेरेंट बोनट क्या करेगी, बेसिकली ये AI है, कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, तो नीचे का ग्रेबल वगैरह सब कुछ दिखाता रहता है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी गाड़ी के नीचे क्या चीज़ है। तो ये बहुत अच्छे से दी गई है। और साथ में यहाँ पर जब आप जाएंगे तो बहुत सारे मोड इसमें आपको और मिल जाते हैं, जैसे कि ESP कर लीजिएगा, कार वॉश मोड आ जाता है, मैनुअल शिफ्टिंग, डाउन हिल स्पीड रेगुलेशन, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लेन कीप असिस्ट वगैरह यहाँ पर जो दिया गया है कुछ यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। पार्कट्रॉनिक दिया गया है जो कि आपको सपोर्ट करता रहता है। कार वॉश मोड का मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर जब ऑन करेंगे तो पूरा का पूरा आप पढ़ते चले जाएगा, सबको मिल जाएगा। ये 20 की स्पीड तक काम करता है, ऑटोमेटिक कार के वॉशिंग में यूज़ होता है, जो कि इंडिया में अभी बहुत कम पैमाने पर दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपको हीटेड सीट का ऑप्शन जरूर दे दिया गया है, जो कि आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन के साथ में आता है, तो आप ऊपर नीचे यहीं से इलेक्ट्रिकली दोनों सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको 1, 2, 3 मेमोरी फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। इसका टच एंड फील काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो कि आपको हमेशा फील कराएगी कि आप मर्सिडीज में बैठे हैं। यूटिलिटी स्पेसेस भर के मिलते हैं, यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है। और साथ में फीचर्स की बात करें तो वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर भी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों सी टाइप ही मिलते हैं, तो यहाँ पर USB टाइप की व्यवस्था नहीं रखी गई है। सामान वगैरह छोटा मोटा यहाँ भी रख सकते हैं और दो पोर्ट यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी में आपको 6 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं और दोनों दरवाजे पर आप पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में सामान रख सकते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर जगह मिल जाती है। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें और ये वायरलेस है, तो ये सब सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। 360 डिग्री कैमरा मिलता है और इसका जो कैमरा है, कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं किस तरीके की कैमरा क्वालिटी यहाँ पर ये ऑफर करता है, पूरा हम्पी पीछे नज़र आ रहा है, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर परिभाषित हुआ है। अब इसमें पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन आ गया है, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में मर्सिडीज़ मी ऐप के जरिए कुछ वॉइस कमांड भी दे सकते हैं इस गाड़ी को, वो फीचर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को एक प्रैक्टिकल स्वरूप प्रदान करती हैं। मुझे लगता है जो इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें सी क्लास पसंद थी शुरू से, वो डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आज के ज़माने के फीचर्स बहुत सारे इसमें भर कर दिए गए हैं। तो पहले जो यहाँ पर आपको टच पैड वगैरह मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब मर्सिडीज़ भी नए ज़माने की तरफ बढ़ गई है, जहाँ पर आपको इसी के जरिए पूरा का पूरा गाड़ी का ऑपरेशन मिल जाता है। कैसा लगा ये वाला कमेंट करिएगा। और अब बारी है इसे लेकर चलने की एक खूबसूरत से ड्राइव पर, जहां पर बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस का। तो चलिए भैया, अब बारी है इस मर्सिडीज GLC को चलाने की, नए अवतार में आई है। मैं इस अवतार को पूरी तरीके से नया नहीं कहूंगा, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं काफी प्रासंगिक है और ऐसी आवाजें अब इसमें से आती रहेंगी, मतलब कुछ शार्प आएगा आगे ना तो बताएगा कि भैया कॉर्नर अगला वाला बहुत शार्प है, आराम से चलाइए गाड़ी और बहुत ही प्रिसाइज, सच में जैसे इसने बताया। और आगे वो दिखाई भी पड़ रहा है। तो जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पर सर्पाकार रोड थी और बार बार एक मैसेज आया जा रहा था, लेकिन एक अच्छी चीज़ है इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको हमेशा अपडेटेड रखते हैं रास्ते से। जैसे कि एक फीचर दिया गया है कि दूसरे की गाड़ी सामने अगर कोई पॉट होल्स आता है तो दूसरे की गाड़ी से डेटा लेके आपको आगाह कर देता है, जिसे भी आपको पता चल जाए और आप सावधानी से चल सके। इसमें अब आपको ट्रांसपेरेंट बोनट दे दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि जब आप उसे चुनेंगे उस फीचर को, 7 की स्पीड तक आपकी गाड़ी चल रही होगी तो पूरा नीचे का जो भी होगा सड़क पर AI के थ्रू आपको दिखता रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई कैमरा लगा हुआ, लेकिन वहां पर कैमरा नहीं लगा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 6.2 सेकंड में, क्योंकि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ पेट्रोल है और ये 4MATIC 6.2 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। अभी मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं इसको लगभग 250-300 किलोमीटर चला के आपके पास अपना ये ड्राइव रिव्यू लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर बता सकूँ कि भैया जब 5 लोगों के साथ इस गाड़ी को मैंने टेस्ट किया तो कितनी कंफर्टेबल रही है। तो मेरी गाड़ी में, क्योंकि ये लोग भी साथ में जा रहे थे, उतार तो सकता नहीं था, तो मुझे लगा क्यों ना अपना ड्राइव रिव्यू शेयर किया जाए, आपसे बताया जाए कि इनके साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो पीछे ये लोग भी कंफर्टेबली बैठे हैं, मैं भी जब बैठ के देख रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जो ये इंजन है,
ये 258 HP की शक्ति देता है और 400 NM का टॉर्क निकलता है। IGS इसमें दिया गया है जिसके कारण 200 NM का टॉर्क और अतिरिक्त मिल जाता है और ये गाड़ी 14 से 15 के बीच में माइलेज आपको दे देती है। हालांकि अभी टेस्टिंग कंडीशन में ये 11-12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही है। साथ में यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं जिसमें आपको चलाना हो, अभी हालांकि मैं इको में चला रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत भगाना है नहीं और वैसे भी इन सड़कों की एक एक लिमिट बनी हुई है, तो यहाँ पर आप जाके चूज कर सकते हैं, जैसे इको हो गया, कम्फर्ट हो गया, स्पोर्ट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, तो जो मोड चाहिए आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर लीजिए। अच्छा, 11.9 का जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है काफ़ी कम्युनिकेटिव है और ये आपको हमेशा बिजी रखता है और ये बहुत बड़ा बदलाव इसमें है क्योंकि पहले जो टच वगैरह आते थे, आप यहाँ से शिफ्ट करते थे, चीज़ें चेंज करते थे, वो सब कुछ गायब हो गया है। टचेस दिए गए हैं लेकिन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से। इसके अलावा जो चीज़ मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी, बूट अच्छा लगा और बूट के साथ में सीट का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से और बेहतर कर सकते हैं। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है और अपने इस इंजन के साथ ये पटाखा है और जो रोड कंडीशन है, अपनी जो आपको लिमिट दी गई है उससे कहीं आगे इसमें जज्बा है और इसमें पावर है जो आपको निकाल कर दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैक पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ढेर सारा चालान भरना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस पे इसने मुझे कहीं से डिसअपॉइंट नहीं किया है। केबिन इंसुलेशन अच्छा है, हालांकि रोड की आवाज़ तब आती है जब ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो जाता है, क्योंकि जो मैं आपको एक बार फिर से दोहराता चलूँ, जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं ये इंडियन कंडीशन, इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत परफेक्ट नहीं निखर के आती हैं, क्योंकि वेल पेव्ड रोड के लिए बनी ये गाड़ियाँ जब यहाँ के कंडीशन में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं से इनको लगता है कि भैया गलत जगह आ गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तरक्की की तरफ बढ़ते इस देश में जब सड़कें थोड़ी और दुरुस्त हो जाएंगी तो ऐसी प्रीमियम कारें और प्रासंगिक हो जाएंगी भारत के लिए भी। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं, आपको चारों जो डिस्क मिलते हैं परफेक्टली काम कर देते हैं और साथ में जब आप कहीं ऐसी जगह से निकल रहे होते हैं जैसे कि फटाक से कोई कॉर्नर आता है, आपको मुड़ना है, ओवरटेक करना है, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है और इसके स्पीकर से निकलने वाली आवाज़, चाहे आप गज़ल सुनते हों, चाहे आप पुराने गाने सुनते हों या फिर पंजाबी गाने सुनते हो, आपको गुदगुदा कर रख देती है। पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छा है। मैंने इसका डीजल वेरिएंट अभी चलाया नहीं है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। नई चीज़ और आपको अच्छी लगेगी, ये जो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया है, यहाँ पर जो हुबली के बादल है ना, इसमें से निकलते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, आप अपनी नज़रों से उसे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत छटा इस गाड़ी से निकल कर सामने आ रही है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो ए पिलर आपके लिए बाधा नहीं उत्पन्न करता है और बढ़िया से आपको एक विजिबिलिटी दे जाता है। ORBM पे आपको सब कुछ नज़र आता रहता है। यहाँ पर जो आपको ऑटो डिमिंग IRBM दिया गया है, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको मिलेगा और अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पर मिलती रहती है। तो ओवरऑल एक कम्प्लीट पैकेज से अच्छी शुरुआत फिर से इस GLC के जरिए भारतीय बाजार में। 13,000 हैप्पी कस्टमर हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया की अगर बात करेंगे तो पता नहीं लाखों लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं, तो जो कंपटीशन है अब उसको घबराने की ज़रूरत है और उनके चेहरे पर 100% खुशी आने वाली है जो इस GLC का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अगर सस्पेंशन की बात करें तो आपको बता दूं, ये गाड़ी जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होंगे, सडनली निकलेंगे तो दिक्कत होगी, अगर आराम से निकालेंगे तो परफेक्ट है और टकराती नहीं है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है 15 से 20 mm तक बढ़ा है, कोई इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, मर्सिडीज़ कभी क्लेम भी नहीं करती है ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन ये आपको फील होगा जब आप गाड़ी चला रहे होंगे। तो इसके छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते आराम से पार कर जाएगी। ऑफ रोडिंग मोड दिए गए हैं लेकिन एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी नहीं है। अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल दोनों दुरुस्त है, बट आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस गाड़ी को लेकर कभी ऑफ रोडिंग करने मत जाइएगा, अपने परिवार को बिठाइएगा और ऐसी सड़कों का खूबसूरती से इंजॉय करिएगा। तो अगर कंपटीशन में उतरकर आप GLC के लिए मन बनाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कंपटीशन में बेहतर ऑप्शन आपको GLC के रूप में अब मिल गया है। पेट्रोल में लें या फिर डीजल में, आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस गाड़ी में जो ज़रूरी बदलाव किए गए हैं वो काफ़ी प्रासंगिक बन पड़े हैं और मेरे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि इस गाड़ी के साथ एक अच्छा जस्टिफिकेशन हुआ है और जो आपने इंतज़ार किया है उसका फल मीठा होता है, उसका प्रमाण है ये गाड़ी। कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताना।